हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पियाज रेसिपीज़। आज हम बनाने वाले हैं साबूदाना वड़े। स्नैक्स के लिए ये बढ़िया ऑप्शन है, या फिर अगर आपका फास्ट हो तब भी आप इसे बना सकते हो। बहुत ही कम सामान में ये क्रिस्पी कुरकुरे साबूदाने वड़े बनकर तैयार हो जाते हैं, और ये साबूदाना वड़े बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन्हें बनाना। साबूदाना वड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कप साबूदाना लिया है, और इस साबूदाना को हमें पानी से 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करके लेना है। यहाँ पे मैंने साबूदाना को 3 बार पानी से अच्छे से वॉश करके लिया है। अब हमें इसे भिगोकर रखना है, तो इसे भिगाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी लिया है। इसे भिगाने के लिए जितना हमने साबूदाना लिया है उससे आधा हमें पानी लेना है, और इसे हमें पानी में 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर रखना है, या फिर आप इसे ओवरनाइट सोक करके भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने साबूदाना को ओवरनाइट सोक करके लिया है, और ये बहुत ही अच्छे से भीग चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये अच्छे से टूट रहा है। और अब इस साबूदाना को हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च यहाँ पे आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 कप मूँगफली की पाउडर ली है। मूंगफली को अच्छे से रोस्ट करके इसे मैंने मिक्सी में से ग्राइंड करके लिया है। जितना हमने साबूदाना लिया है सेम क्वांटिटी में हमें मूंगफली की पाउडर लेनी है। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ के आलू को बॉईल करके लिया है, और इस तरह से हाथों से क्रश करते हुए इसमें ऐड करेंगे। आलू ऐड करने से साबूदाना वड़ा को बाइंडिंग मिलती है, और ये मिश्रण अच्छे से मिक्स हो पाता है। स्वाद के अनुसार नमक इसमें ऐड करेंगे, और अब इन सारी चीज़ों को हमें हाथ से अच्छे से मिक्स करके लेना है। इसे हमें तब तक मिक्स करना है जब तक कि ये मिश्रण एक डो की फॉर्म में नहीं आ जाता। इसे हमें अच्छे से मिक्स करके लेना है। इस तरह से मिक्स करने से साबूदाने भी अच्छे से मैश हो जाते हैं, और तेल में फ्राई करते समय फूटते नहीं है। तो यहाँ पर ये साबूदाना का डो बनकर तैयार है। हाथों के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा कर लेना है, और इसमें से थोड़ा सा साबूदाना का ये मिक्सचर हाथों के ऊपर लेना है, और इस तरह से घुमाते हुए इसे हमें एक राउंड शेप देना है। हल्का सा प्रेस करना है। यहाँ पे साबूदाना वड़े हम मेदू वड़ा के शेप में बनाने वाले हैं। इस तरह से फिंगर की हेल्प से इसके बीच में हमें एक सर्कल बनाकर लेना है, और ये जो वड़े हैं हमें ज़्यादा मोटे नहीं बनाने हैं, पतले ही रखने हैं। और सेम इसी तरह से हम बाकी के वड़े बनाकर तैयार कर लेंगे, और इस तरह से सारे वड़े बनाकर हमें प्लेट में रखते जाना है। यहाँ पे मैंने ये सारे वड़े बनाकर तैयार कर लिए। गैस पर मैंने फ्राइंग पैन में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल मीडियम गरम होने के बाद इन वड़ों को हमें एक एक करके तेल में ऐड करना है। एक साथ ज़्यादा वड़े हमें पैन में नहीं ऐड करने हैं, जितने एक बार में आते हैं उतने ही वड़े हमें डालने हैं, और इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। 4 मिनट के बाद इन्हें हम पलटी कर लेते हैं, और दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट के लिए हम फ्राई करके लेंगे इन्हें। 4 मिनट के बाद वड़े दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, और एकदम क्रिस्पी और कुरकुरे बने हैं। इन्हें फ्राई करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है, और इन्हें अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और सेम इसी तरह से हमें बाकी के वड़ों को भी फ्राई करके लेना है। और यहाँ पे ये हमारे एकदम क्रिस्पी कुरकुरे साबूदाने वड़े बनकर तैयार है। इसे मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट ये वड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।